हेलो फ्रेंड्स, आप दिख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जिन छात्रों ने एनटीपीसी और ग्रुप डी में फॉर्म को फिलअप किया है, उन छात्रों के लिए बेसब्री से इंतजार है कि कब परीक्षा तिथि घोषित की जाए और हम कब हमारा एडमिट कार्ड जारी किया जाए। तो इस वीडियो में बड़ी खुशखबरी के साथ आया हूँ और आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है परीक्षा तिथि के बारे में बात करने वाला हूँ। आज आपका इंतजार जो है वो समाप्त होने वाला है, तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 50 रुपये का कैशबैक अर्न करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में फोरपन एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके फोरपन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और तुरंत ही 50 रुपये कैशबैक देखने को मिलेगा, जिसे आप पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जनसत्ता.com की न्यूज है और यहाँ बोला गया है कि RRB NTPC एडमिट कार्ड 2019-20 एग्जाम डेट लाइव अपडेट। RRB NTPC के एग्जाम से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ पर जो है बताया गया है। फ्रेंड्स, एग्जाम डेट को लेकर एक बड़ी अपडेट है और आज की डेट में आया हुआ है, आप देख सकते हैं 18 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है कि NTPC CBT बने एग्जाम एडमिट कार्ड आधारित वेबसाइट पर जारी किए जाते ही इसकी सूचना उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी। यानी कि जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था तो उस टाइम अपने मोबाइल नंबर और ईमेल जो है रजिस्टर्ड करवाई होगी, तो उस टाइम आपको इस चीज़ की जानकारी दे दी जाएगी। RRB NTPC का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, एडमिट कार्ड आधारित वेबसाइट पर जो है यानी ऑफिस वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि RRB NTPC के एडमिट कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी को आधारित वेबसाइट पर चेक कर लें। RRB NTPC CBT बन एडमिट कार्ड आधारित वेबसाइट पर जारी किए जाते ही सूचना उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सभी छात्रों ने जिन्होंने जो है फॉर्म को सबमिट करने के लिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेक करते रहें अपना और ऑफिशियल वेबसाइट भी देखते रहें। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं एग्जाम के बारे में। ठीक है, एग्जाम यहाँ पर जो है आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, एक नंबर का होगा, यानी प्रत्येक सवाल आपका एक नंबर का, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ एग्जाम डेट से रिलेटेड थोड़ी जानकारी। जिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड आ जाने के बाद उनको एक आईडी प्रूफ के साथ जाना है। ठीक है, अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है और एक फोटोस्टेट लेकर जाना है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि टाइम से पहले पहुँचना है आपको, टाइम के बाद अगर थोड़ा भी लेट होता तो आपको वहाँ से एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये था और फोरपन एप्लीकेशन का लिंक फ्रेंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके फोरपन एप्लीकेशन को स्टोर करो, 50 रुपये का कैशबैक जरूर पाएं।